और वैशाली से जाहिद वारसी की रिपोर्ट। वैशाली गोरेल से बड़ी खबर है। सड़क दुर्घटना में एक बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। मिली जानकारी के अनुसार गोरौल थाना क्षेत्र के ग्राम मुस्तफापुर हरशेर NH 22 धर्म कांटा के निकट हाजीपुर की ओर से तेज गति से आ रही ट्रक NL01K8280 नंबर ने सड़क पार कर रही गायत्री कुमारी पिता रंजीत महतो ग्राम मुस्तफापुर हरशेर निवासी को कुचलकर फरार होने लगा, जिसे गोरौल थाना ने खदेड़ कर पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में छाया मातम। ग्रामीण इकट्ठा हो गए और NH 22 सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग पर अड़े रहे कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक लाश यही रहेगा। गोरौल थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने इसकी सूचना गोरौल अंचल अधिकारी को दिया। सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, फिर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार, अंचल अधिकारी ब्रजेश पाटिल, मुखिया पुत्र संजय कुमार, इरशाद अहमद समझाकर मुआवजा राशि देने का वादा किया। तब जाकर पुलिस ने लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेज दिया और सड़क जाम खुलवाया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जब से धर्म कांटा खुला है ये जगह दुर्घटना स्थल बन गया है। मुखिया जिनकी देवी की ओर से 3000 की राशि दिया गया। ये बच्ची जो अभी दुर्घटना में मृत्यु जिसका हो गया है, ये कौन है आपकी? हमारे पोती लगती है। कितना साल उम्र है? 15 वर्ष। उसका नाम? गायत्री कुमारी। और उसके पिता का क्या नाम? रंजीत महतो। अच्छा, तो ये दुर्घटना हुआ कैसे? रोड पार कर रही थी, गाड़ी आया, धक्का मार दिया, वो घायल भी हो गया। एक आदमी घायल भी? हाँ। आप लोग रोड जाम किए, क्या इसका काम? इसका जो मुआवजा मिलता है सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। क्या मुआवजा? सरकार प्रावधान है 5 लाख रुपया। तो अभी आप लोग रोड जाम ही रखिएगा? सीओ साहब नहीं आएंगे, चेक नहीं देंगे तब तक जाम नहीं टूटेगा। तो FIR होगा ना? FIR तो होबे करेगा, चेक कर देंगे तब ना। FIR तो करना ही है हमको। अच्छा, तो यहाँ पे अक्सर दुर्घटना होता रहा, तो कारण क्या है? कारण है कि FCI का गाड़ी सब लागल रहता है, रोड पूरा जाम रहता है, जाने आने का रास्ता नहीं रहता है, लोग को दिक्कत होता है। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन का कोई नजर नहीं है, नाक के नीचे प्रशासन बैठता है, देखता नहीं है कि यहाँ रोड जाम है, कुछ है, बराबर घटना होता रहता है। तो ठीक है, ये आपका जो बॉडी रखा हुआ है पोस्टमार्टम में जाएगा, उसके बाद ही आपको चेक मिलेगा। पोस्टमार्टम में जाएंगे, सीओ साहब आएंगे, चेक देंगे, पोस्टमार्टम जाएगा, अगर रोड जाम रहेगा। और जब तक चेक नहीं मिलेगा आप रोड नहीं खोलिएगा? नहीं। अच्छा, यहीं पे घर है? हाँ, बगल में घर है सर। अच्छा, इसके साथ में जो जख्मी है वो कौन है? राजकुमार भगत है, वो लगनपुरा का। अच्छा, गाड़ी मिला है? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी आगे धराया हुआ है। तो प्रशासन अभी आए तो प्रशासन क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि जो उचित मुआवजा मिलेगा, बाकी मिलेगा हमको ठोस आश्वासन मिलेगा, उसके बाद है ना कुछ। यानी वो क्या कह रहे हैं कि आप अभी रोड खोल दीजिए? खाली कर दीजिए। अच्छा, आप लोग का कहना है कि जब नहीं तो... सीओ साहब आएंगे, जब प्रावधान के मुताबिक काम करेंगे वो, क्लियर होगा। बाप रे, बाप रे।